अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में कोई कुकिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही, कोई डिश नहीं बनाई जा रही, तो आज सिर्फ ये एक इन्फॉर्मर वीडियो है। काफ़ी लोग ये मेरे दोस्त थे, कुछ ये इनबॉक्स में मुझे पूछ रहे थे यार कि मेरी आजकल जो वीडियो है कुछ दिनों से क्यों नहीं आ रही। तो बस उन्हीं को ये बताता चलूँ कि जैसा कि भाई ये ईद आ रही है, नज़दीक है, बल्कि ये कल ईद है, तो मैं सिर्फ यही काम तो नहीं करता, तो मेरी अपनी माशाल्लाह जो है रिपेयरिंग लैब है, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ मैं, अपनी ज़ाती लैब है मेरी, तो उधर ही ज़्यादा मसरूफियत थी ज़रा कुछ दिनों से, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा। तो इंशाल्लाह सुबह ईद है तो कल से मैं इंशाल्लाह फ्री हो जाऊँगा, फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊँगा, बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँगा और बिल्कुल न्यू से न्यू वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो अब रात से यहाँ पर लाहौर का माशाल्लाह जो मौसम है बहुत ही प्यारा मौसम है। रात को तकरीबन ये 2 बजे से बारिश शुरू हुई है, तो अभी ये कुछ देर पहले बारिश रुकी, लेकिन अभी तक भी ये बादल हैं। तो ये देखें जैसा कि बिल्कुल मौसम जो है बड़ा सुहाना हो गया है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियोज़ में स्टार्ट करूँगा दोबारा आप लोगों के लिए। तो आप लोग तो है ना कि भाई वीडियोज़ जो है आजकल वो क्यों नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगा। तो अब जैसा कि ये जो ईद है, ये कुर्बानी की ईद है, तो लोग कुर्बानी करते हैं, तो बस ये आप लोगों के लिए स्पेशल एक मैसेज है ये बताना चाह रहा था मैं। मेन जो मेरा मकसद वीडियो बनाने का वो यही था, आपको ये मैसेज देना चाहता था बराए मेहरबानी कि जब ये ईद कुर्बान आती है तो लोग जो है जानवर कुर्बान करते हैं, कुर्बानी करते हैं, जानवर ज़िबा करते हैं, तो बराए मेहरबानी आप उनकी वीडियोस मत बनाया करें। जब जानवर ज़िबा हो रहे होते हैं खासकर, उनकी वीडियोस मत बनाया करें, ना बनाया करें। अगर आपने वीडियो बना भी ली, अपने मोबाइल में शूट कर लिया, तो बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पर उसको शेयर ना किया करें। आप उस टाइम वीडियो बना रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, उस जानवर की बेचारे की जान निकल रही होती है, तो बराए मेहरबानी कुर्बानी को कुर्बानी ही रहने दिया करें, इसको तमाशा मत बनाएं, खुदा का वास्ता आप लोगों के लिए। बस यही मेरा एक मैसेज था आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह कल से वीडियो ज़रूर आएंगी मेरी, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी तरफ से आप लोगों को और आपकी तमाम फैमिलीज़ को सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, क्योंकि पाकिस्तान में कल ईद है, तो जिन ममालक में ईद हो चुकी है आज, तो उनको भी ईद मुबारक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही, तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।